माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं आपकी हिंदी टीचर आज आपको हिंदी का असाइनमेंट देने जा रही हूँ, जिसका विषय है गुड फ्राइडे। आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और मेरे द्वारा बोले गए वाक्यों को दोहराना है। चलिए शुरू करते हैं। गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे ईसाइयों का एक पवित्र दिन है। गुड फ्राइडे ईसाई लोगों के लिए एक पवित्र दिन होता है। इसे ईस्टर संडे के ठीक पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इसे होली फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। इसे होली फ्राइडे और ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। यह प्रभु यीशु के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्वाण दिवस मतलब मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे का त्यौहार वास्तव में प्रभु यीशु द्वारा मानवता के लिए प्राण त्याग करने का दिन है। इस दिन प्रभु यीशु ने मानवता द्वारा प्राण त्याग करने का दिन माना जाता है। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्म के अनुयायी यीशु को उनके त्याग के लिए याद करते हैं। इस दिन जितने भी ईसाई लोग होते हैं वो प्रभु यीशु को उनके त्याग के लिए याद करते हैं। इस दिन के लिए ईसाई लोग 40 दिन पहले से तैयारी करते हैं। इस दिन के लिए ईसाई लोग 40 दिन पहले से ही तैयारी करते रहते हैं। इस दिन चर्च में प्रार्थना और ध्यान का आयोजन किया जाता है। इस दिन चर्च में प्रार्थना की होती है और ध्यान का भी आयोजन किया जाता है। ईसाई लोग इस दिन संयम और व्रत कर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। इस दिन ईसाई लोग संयम और व्रत कर व्रत मीन्स फास्ट रखते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम इसका सही उच्चारण के साथ इसको दोहरा लेते हैं। गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे ईसाइयों का एक पवित्र दिन है। इसे ईस्टर संडे के ठीक पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इसे होली फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। यह त्यौहार प्रभु यीशु के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे का त्यौहार वास्तव में प्रभु यीशु द्वारा मानवता के लिए प्राण त्याग करने का दिन है। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्म के अनुयायी यीशु को उनके त्याग के लिए याद करते हैं। इस दिन के लिए ईसाई लोग 40 दिन पहले से तैयारी करते हैं। इस दिन चर्च में प्रार्थना और ध्यान का आयोजन किया जाता है। ईसाई लोग इस दिन संयम और व्रत कर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।